अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से फेसबुक पेंडिंग जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो किस तरह एक ही क्लिक से सारे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या जो आपकी लाइक पेजेस है वो एक ही क्लिक से सारे पेजेस को अनलाइक किस तरह करें, या आपके जो ग्रुप्स है आप उसको लीव करना चाहते हो एक ही क्लिक से तो वो किस तरह करेंगे, और या आप ऑटो पोस्टिंग किस तरह कर सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स में। तो चलो टाइम को बगैर वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो थ्री डॉट्स हैं यहाँ पर आ जाना है, उसके बाद मोर टूल्स पर आ जाना है, उसके बाद एक्सटेंशन पर आना है, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर देना है। ये वाला एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आपने वहाँ से डाउनलोड कर देना है, और आपने सिंपल इसी को ड्रैग कर देना है अपने क्रोम एक्सटेंशन में, यहाँ पर ड्रॉप कर देना है, तो यह भी इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर मैं ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा जो एक्सटेंशन था वो ऐड हो गया हमारे क्रोम में, तब हम इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और आपने आ जाना है फेसबुक पर। तो यहाँ जो मेरे पास आईडी है इसमें कोई भी फ्रेंड नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी पेज नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि आपको एक वीडियो दे दूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेरे पास नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका मेथड बताऊँगा जो 100% वर्किंग होगा। तो जब आप फेसबुक पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन ऊपर मिलता है टूल किट पर फेसबुक, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर टूल सर्च कर देना है, किस तरह भी टूल आपको चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक ऑल पेज लाइक बटन और कंफर्म ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट बटन, आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहाँ पर जो है क्लिक ऑल डिलीट फ्रेंड रिक्वेस्ट बटन, जितने भी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट आए हैं वो आप एक ही बटन से डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कि मतलब ऑटो पोस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से। तो फॉलो ऑल लाइक पेजेस, अनफॉलो लाइक पेजेस, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आपके पास, मतलब लोगों ने ऐड किया हुआ है ग्रुप्स में और आप चाहते हैं कि यार मैं एक एक को तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप एक ही बटन से सारे ग्रुप्स को लीव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर किसी ग्रुप का एडमिन नहीं है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं एडमिनशिप को, और ये बिल्कुल 100% वर्किंग है। लेकिन मेरे पास अभी इस आईडी में कोई भी ग्रुप कोई भी फ्रेंड ऐड नहीं है, और ना कोई पेज मैंने लाइक किया है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाना चाहता था। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर आप यूट्यूबर है आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको हर किसी को मैसेज करना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ पर आपने सिर्फ एक ही बार मैसेज टाइप कर देना है और सारे फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर देने। यहाँ पर मेरे पास फ्रेंड्स है नहीं इसलिए मेरे पास लोडिंग कर रहा है, तो इसलिए तो यहाँ पर आपको सारे फ्रेंड शो हो जाएंगे, आपने सारों को सिलेक्ट कर देना है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट डिले रिक्वेस्ट होगा वो आपने कम से कम 1 से 2 मिनट तक रखना है, क्योंकि फिर फेसबुक आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक कर देगा या चेक पॉइंट पर चली जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपने ज़रूर सेलेक्ट कर देना है, चाहे आप ऑटो पोस्टिंग करें या आप किसी को मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, तो ये आपने ज़रूर कर देना है। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई फ्रेंड है नहीं था कि मैं आपको उसी को मैसेज सेंड कर सकूँ, और उसके बाद आपने फिर आ जाना है यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको ग्रुप ऑटो पोस्टिंग का दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पर एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप जितने भी आपके फ्रेंड है जैसे उसके नंबर फ़ोन नंबर उसने हाइड किए हुए, यहाँ पर पब्लिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितने भी हाइड होंगे उसके आईडी पे वो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। फॉलो ऑल फ्रेंड्स, म्यूट स्टोरी फॉर ऑल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, लेकिन आपने ध्यान रखना है इसी बात का कि आपने वही जो डिले वाला ऑप्शन है वो ज़रूर कर देना है, वरना आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी या चेक पॉइंट पर चली जाएगी, उसका मैं कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। फिर तो मुझे नहीं मिला, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ पोस्ट का, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ
यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट ऑन ऑल ज्वाइंट ग्रुप्स। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 200 या 300 ग्रुप्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक हो गया। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं सारे ग्रुप्स में अपना पोस्ट करूँ, तो एक एक में पोस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो मेरा मैसेज होगा वो मैंने टाइप कर देना। यहाँ पर ये लोडिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरे पास कोई ग्रुप है नहीं इस टाइम, इसलिए। तो यहाँ पर आपने मैसेज टाइप कर देना है, जो भी आपका मैसेज है। और ज़रूरी बात जो मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने डिले टाइम ज़्यादा रखना है, अदरवाइज़ आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो ये वाला ऑप्शन आपने ज़रूर इसका ख्याल रखना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला कर देता हूँ। और आपने जो भी मैसेज यहाँ पर टाइप करना है, जो सॉरी पोस्ट आपने करना है, वही यहाँ पर आप इवन किसी यूट्यूब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन इसमें दे सकते हैं। जिस तरह आप पोस्ट करते हैं नॉर्मल, उसी तरह यहाँ पर कोई भी पोस्ट लेके और ऑटो बटन, यहाँ पर जो सबमिट बटन है इस पर क्लिक करें, तो ये ऑटो उन्हीं ग्रुप्स में शेयर हो जाएगी जो आपने यहाँ पर ग्रुप्स सेलेक्ट किया होंगे। यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं होता यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट ऑल ग्रुप्स। तो वहाँ से आप एक ही बटन में सारे ग्रुप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आप पोस्ट कर सकते हैं, हेलो, और यहाँ पर कोई भी आपका यूट्यूब लिंक हो गया, जो भी है आपने पेस्ट कर देना, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन ये बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, ठीक हो गया। तो आज की वीडियो बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।